नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है शिवम धाकड़। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीपर, सोयाबीन काटने की रीपर के बारे में, जो कि काफ़ी नया मॉडल है, आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। आज मैं आया हूँ पवन शक्ति पचोर के अंदर। मेरे साथ सर है। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर, आपका नाम और कंपनी का परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम पंकज नागर है और ये अपनी पवन शक्ति के नाम से रीपर बनाई जाती है और ये कारखाना राजगढ़, मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पचोर शहर से 10 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। तो भैया, आप ये जो रीपर लेकर आए हैं, ये कौन कौन सी फसल को काटती है और क्या क्या चेंज किए हैं इसमें आपने? जी, ये अपनी मशीन है, ये सोयाबीन, उड़द, मूंग इत्यादि, चना इत्यादि फसल काट सकती है। छोटी से छोटी फसल काटने के लिए ये मशीन अपन ने बनाई है। ये मशीन जो पहले मशीन आती थी ना, पहले जो मशीन आती थी वो क्या है कि उसमें यहाँ पे पट्टा लगा हुआ था। पहले यहाँ पे पट्टा लगा हुआ था तो अपन ने इसमें चेंज करके पंजा लगा हुआ दिया। इसमें इसको बोलते हैं पंजे वाली रीपर, ठीक है ना। तो ये हर 10 फीट पे एक डिंगली कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और ये चेंजेस तो है ही सही। और सभी मशीनों में अपने देखा है ये ब्लेड, ये मिट्टी में धंसने की संभावना रहती है। जी, जी। है ना, तो इसमें अपन ने नीचे चप्पल लगा दिए हैं। बहुत बढ़िया किया है आपने, मिट्टी से इसमें भी दिक्कत नहीं होगी अपनी। हाँ, जो साफ है उसमें भी। हाँ, इसमें क्या है, और जैसे आगे चलती है तो आगे चारा आता है, तो वो ये जो चद्दर है ना, ये चारे को नीचे कर देगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी और मिट्टी भी नहीं लगने देंगी। और आप जितनी नीचे चाहो उतनी नीचे काट सकते हो, जितनी ऊपर चाहो उतनी काट सकते हो। यहाँ मशीन लगभग 1 इंच नीचे से लगा के आप कितनी 2.5 फीट तक की सोयाबीन आप आराम से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सर, इसमें क्या क्या चेंज किए हैं? पहले बेल्ट इधर आता था, बहुत सारी मशीनों में मतलब इधर आता है। जी, अपन ने क्या है कि बहुत सारी मशीनों में पहले ये जो रील चलती है ना, जी, जी। इसका बेल्ट इधर से चलता है। ये बेल्ट इधर से चलने की वजह से क्या है कि जैसे सोयाबीन इधर लाती है पंजा, तो ये सोयाबीन, जैसे कोई सोयाबीन उड़ भी जाती है तो बेल्ट में उलझ जाती है, बेल्ट उतरने की संभावना रहती है। इसलिए अपन ने ये चेंजेस कर दिया है, बेल्ट उधर कर दिया है। और जैसे कि अपना जो पंजा है, इसमें मजदूर से खाली करवाने की जरूरत नहीं रहेगी? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं रहेगी, ये पंजा ऑटोमेटिक चलेगा। हर 10-15 फीट पे मशीन खाली कर देगी, ऑटोमेटिक खाली कर देगी। तो अभी मैं इधर देख पा रहा हूँ, आपने जो यहाँ पर जो एडजस्टेबल रोड लगाई है, इसका क्या फायदा? पहले बहुत सारी जो रीपर है उनमें पत्तियाँ आती थी। जी, सभी रीपर में पत्तियाँ आती है, लेकिन अपन ने ये केवल एडजस्टेबल टॉपलिंग बोलते हैं इसको। जी, ये जो अपन ने टोपलिंग लगाई है ना, इससे क्या है आगे की ब्लेड एडजस्टेबल हो जाती है ऊपर नीचे। मतलब अगर फसल खेत में गीला है तो आप मशीन को नट पे सेट कर सकते हो, मशीन आपकी ऊपर रहेगी और ब्लेड आपकी नीचे हो जाएगी। मतलब आप मशीन को ऊपर कर सकते, टांग के चला सकते, टांग के भी चला सकते हो और आपकी ब्लेड वहीं पे चली जाएगी। अगर छोटी फसल है तो इससे एडजस्ट करके अपनी ब्लेड है वो नीचे कर सकते हैं। हाँ, ब्लेड नीचे कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अपन ने नीचे रोलर भी लगाए हुए हैं ताकि अगर खेत में अगर सूखा है जी, तो आप मशीन को जेक पे ना रखते हुए नीचे जमीन पे रख दो। जमीन पे रखने से क्या होगा कि मशीन जमीन के हिसाब से लेवल से चलेगी जी। और अपने जो नीचे का ये जो अपना लोहा है ये भी नहीं घिसाएगा पहिया? हाँ हाँ, वो कुछ भी नहीं घिसाएगा। और जैसे अगर रोलर पे मिट्टी भी लगी हुई ना, तो अपन ने इस पे एक कटर लगा रखी है जो मिट्टी को काट देगी। वो मैं आपको दूसरी मशीन में दिखा दूंगा, यहाँ नीचे नहीं दिखा सकते हैं। तो सर, इस मशीन की हम वेट की बात करें तो कितना वजन है इसमें? सर, इसका वेट लगभग 250 kg से 300 kg के लगभग है जी। और हम इसको कितने HP से लेकर कौन से ट्रैक्टर पर चला सकते हैं? हम इसको 25 HP से लेके कोई सा भी ट्रैक्टर हो, मतलब मिनिमम कम से कम 25 HP का ट्रैक्टर चलेगा। इस मशीन पे केवल 5 hp का लोड है जी, लोड वाला कोई काम ही नहीं है। मतलब अगर इस मशीन को कोई किसान खरीदता है तो आप वहाँ फिटिंग करके दोगे? जी बिल्कुल, अगर अपने नज़दीकी एरिया से कोई आता है तो हम वो ट्रैक्टर ले आए यहाँ पे और हम फिटिंग करके मशीन दे देंगे। और अगर बाहर की पार्टी हो तो हम मशीन का पूरा मटेरियल देते हैं, उसको कुछ भी नहीं करना है, गाड़ी में हम यहीं से ट्रांसफ़र करवा देते हैं जी। देखिए भैया, बहुत सी बार ऐसा है मशीनरी चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो आप पार्ट्स भिजवा सकते हैं? मतलब बिल्कुल कहीं? बिल्कुल, हम पार्ट्स अवेलेबल करवा सकते हैं। वैसे तो पार्ट्स मशीन में सारे ऐसे हैं कि जिस क्षेत्र में मशीन जाएगी लगभग उसी क्षेत्र में पार्ट्स सारे अवेलेबल हो जाएंगे जी। बाकी इसमें जो पीछे का आप फिटिंग का सिस्टम है वो और दिखाइए, जैसे ट्रैक्टर में किस तरीके से फिटिंग होती है मशीन। बिल्कुल, ये आपने चेन लगाई है यहाँ पे, बहुत सारी मशीनों है जो सब मशीन आती है मार्केट में उनमें बेल्ट लगा रहता है यहाँ पे। बेल्ट सभी मशीनों में क्या है कि बेल्ट लगा देते हैं, लेकिन सोयाबीन क्या है कि बारिश में चलती है मशीन, कभी पानी गिर जाता है, सुबह सुबह काटते हैं तो जो पानी की ओस रहती है ये रहता है, तो उससे क्या है बेल्ट स्लिप मारते हैं। इसलिए अपन ने उसमें क्या है कि चेन सिस्टम कर दिया है, जिससे स्लिप होने की संभावना कम रहती है। और रही बात
कटर की तो कटर अपन ने बेल्ट पे कर रखी है जी। ये कटर अपनी बेल्ट पे है तो अगर कोई सा ब्लेड में अगर पत्थर वत्थर आया तो ये यहाँ से बेल्ट स्लिप हो जाएगा जी। बेल्ट को लूज कर सकते हैं, बेल्ट को लूज कर सकते हैं। बेल्ट का ये एडजस्टमेंट दे रखा है, ढीला टाइट यहाँ से, हाँ टाइट यहाँ से कर सकते हैं अपन। और ये बेल्ट का सिस्टम, ये जो मेन पुली है ना, इससे कर सकते हैं जी। तो जो भैया ये मशीन है, इसको खरीदने के लिए आपके नंबर बताइए, अगर कोई किसान भाई खरीदना चाहता है इस मशीन को तो। जी, इस मशीन को खरीदने के लिए नंबर वैसे तो स्क्रीन पे आ ही जाएंगे, लेकिन एक बार मैं बोल देता हूँ 7049658823, और एक और नंबर है 9826971084 जी। तो भैया जैसे कि ये जो यहाँ पे फिटिंग करने का चेसिस है जी, ये भी आप ही प्रोवाइड करवाते हैं पंप वगैरह? ये सारा मटेरियल कंपनी खुद देती है, ठीक है। पूरा मतलब किसान को कुछ भी नहीं लाना है, केवल ट्रैक्टर की जरूरत है जी। बाकी सारा मटेरियल हम ही देते हैं। तो दोस्तों आपको अगर हम किसान भाई से बात करवाएंगे जिन्होंने पिछले साल ली थी, तो उनका भी हम रिव्यू लेंगे, तो उनसे आपकी बात करवाते हैं। तो हमारे साथ ये जो किसान है, इन्होंने पिछले साल मशीन ली थी, तो इनसे पूछते हैं कि नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, आपका नाम बता दीजिए। शंकर नागर नाम है जी। तो आपने मशीन पिछले साल ली थी, तो कितने बीघा काटी थी आपने? इससे करीबन 200-250 घंटा चली थी हमने। 200-250 घंटे, हाँ। कैसी चली मशीन? एक नंबर चली। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर जैसे कंपनी वाले बोल दें, हाँ। तो वैसा तो नहीं है कोई? नहीं, कुछ भी नहीं। बढ़िया है, बढ़िया। किसान आप संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट, हम भी संतुष्ट हैं, किसान भी संतुष्ट हैं। दोस्तों आपको हमने किसान से बात करवाई है, ये हमारे नजदीक के किसान है, ऐसा नहीं है कोई के झूठ बोल के आपको मशीन दे दी जाएगी। इन्होंने बिल्कुल पिछले साल मशीन ली थी और बिल्कुल अच्छी चली मशीन में, आपकी बात भी करवा दी। पूरे सीजन किया हमने, पूरे सीजन किया। इससे कोई लेकर रोजगार भी कर सकता है? बिल्कुल रोजगार कर, खूब किराया चला, कोई दिक्कत है। एक दिन में कितने बीघा काट? 20 बीघा काट देती है। 20 बीघा, 20 से 25। और तेल वेल क्या है ट्रैक्टर में? ये 1 लीटर से अंदर चलती है। अच्छा, तो काफी बढ़िया मशीन है दोस्तों। इसको लेकर आप किराए पर चलाकर पैसे भी कमा सकते हैं, और बहुत ही अच्छी मशीन है। इससे आप सोयाबीन, उड़द वगैरह सब कुछ काट सकते हैं। और अभी आप हमको मशीन का डेमो भी देंगे, चलाकर दिखाएंगे आपको, तो वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों बिल्कुल ये इशारे में चलती है मशीन, देख सकते हो आप। और जो ये पंजा है, इससे सोयाबीन जो इसके अंदर आएगी, मूंग वगैरह फसल कटकर, वो एक साइड होती जाएगी ऑटोमेटिक। इसमें लेवर की ज़रूरत नहीं रहेगी। पीछे जो मशीन आती थी, पीछे वाली, उसमें हाथ से खींचना पड़ता था, लेकिन ये जो मशीन है, इसमें ऑटोमेटिक जो है, हमारी जो फसल है, एक साइड आती जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से देख सकते हो, मशीन में कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शांत रूप से मशीन चलती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस मशीन को आप खरीदना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप इस मशीन को खरीद सकते हैं। तो सर आपकी जो ये कंपनी है, कितनी पुरानी है, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं इसके अंदर? सर वैसे काम तो हम लगभग 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन इस रीपर मशीन पे हम लगभग 7 साल से काम कर रहे हैं जी। पहले जो मॉडल बनाया था हमने, वो भी पंजे वाला ही था, ऑटोमेटिक था जी। लेकिन उसमें थोड़ी सी समस्या आ रही थी जी। तो लगभग 5 साल से हमने ये वाला पंजा लगा दिया है, जिससे हम इस मशीन से फुल संतुष्ट हैं और ग्राहक भी संतुष्ट हैं। आप कौन कौन से कलर में मशीन बनाते हैं? सर हम एक तो ये रेड कलर में मशीन बनाते हैं, और एक ही इधर रखी हुई है मिंट ग्रीन। ये मिंट ग्रीन में मशीन मिलती है, दोनों कलर में अपनी मशीन अवेलेबल होती है जी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मशीन लेकर बेचते हैं, डीलरशिप का काम करते हैं, और बोलते हैं खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो दोस्तों आपको दिखा दूं मैं, यहाँ पर पूरा मशीन कारखाना यहीं पे चलता है, ये मशीन पूरी यहीं पे कंप्लीट हो रही है। इधर चेंचिस रखे हैं, और इधर बाकी मशीन का जो सामान पार्ट्स पड़े देख सकते हो, सीटें वगैरह पूरा यहीं पे कंप्लीट हो रही है, यहीं पे पूरा मशीन का जो है निर्माण हो रहा है, आप कारखाना भी देख सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।